स्वागत है फ्रेंड आपके अपने चैनल आसू ब्लॉग फिटनेस एंड ट्रेवलिंग। दोस्तों आज शोल्डर वर्कआउट लगाएंगे, ठीक है। शोल्डर वर्कआउट आपको सारा सर वर्कआउट दिखाएंगे और फ्रेंड के यहाँ उसके बच्चे का तैसा है तो वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो पहले चलिए सबसे पहले वर्कआउट शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्कआउट लगा रहे हैं, वर्कआउट करते हैं। सबसे पहला वर्कआउट शोल्डर मिलिट्री प्रेस, इसको 4 सेट लगाएंगे। आपको एक एक सेट दिखाते जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से चलिए लगाते हैं पहला सेट। प्रेसिंग दिया, ठीक है। इसको 4 सेट लगाएंगे। अब इतने वर्कआउट अगर बिगनर हैं तो 3 सेट भी लगा सकते हैं, एडवांस लेवल है तो 4 सेट या इंटरमीडिएट भी 4 सेट लगाएं अपने वर्कआउट में। 15 से 20 रिपिटेशन निकालिए, उसके बाद अगर 15 से 20 रिपिटेशन से एक्स्ट्रा ज़्यादा जा रहा है तो उसके बाद इसमें आप वेट बढ़ा सकते हैं। दूसरा सेट में 15 रिपीटेशन दिया, अब करते हैं सेकेंड वर्कआउट स्टार्ट। बाइसेप वर्कआउट पे सेकेंड वर्कआउट डंबल प्रेस, इसको भी 4 सेट लगाएंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं 4 सेट। शोल्डर वर्कआउट का थर्ड वर्कआउट साइड लिफ्टर, इसको भी 4 सेट लगाए हैं, केवल 1 सेट दिखाएंगे वीडियो में। साइड लिफ्टर में 12 रिपीटेशन गया, इसको 4 सेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वर्कआउट लगाएंगे सरक्स, फोर्थ और लास्ट वर्कआउट सरक्स, इसको भी 4 सेट लगाना। उसको करते करते से दिख गया,
फाइनल 10 रेपिटेशन निकला, इसका 4 सेट लगाए हैं, ठीक है। फाइनली शोल्डर वर्कआउट ख़त्म हो गया, अब चलते हैं दोस्त के यहाँ, जो कि इसके बच्चे का 27 है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये वीडियो केवल जिम से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा ब्लॉग टाइप का भी है, तो इसको एंजॉय करिए आप लोग, वीडियो में आगे बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखा करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं जी। फाइनली निकल गए घर से बच्चे के 27 में जाने के लिए, ठीक है। ये रहा अपना टी शर्ट पे जा रहे हैं, आज शर्ट नहीं निकालने क्योंकि गर्मी बहुत है उसकी वजह से, ठीक है। चलिए अब पहुँचते हैं वहाँ पे, तो फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली पहुँच गए हैं जहाँ पे प्रोग्राम है, कुछ नहीं कह रहे हैं तो दीपक के बारे में क्या कहा? कॉल किया तुमको दीपक? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल आ गया, अब हैंग कर रहा है मेरा मोबाइल। बोले अपने पास भी कॉल नहीं है, भाई के पास भी कॉल नहीं है, आशु भाई से पूछते हैं उनके यहाँ कॉल आया कि नहीं दीपक का। भाई रात में मैं घर चला आया और वहाँ पर सूट नहीं कर पाया क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, तो उसकी वजह से सूट नहीं कर पाया। वीडियो उतनी थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।